हिंदू सर्व पंथ समाधान को लेकर चलता है। सब डाइवर्सिटी साथ में चल सकती है। हिंदू परंपरा से भारत का रहवासी और भारत का उत्तरदायी है। नागपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट शब्दों में हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि सद्भावी संस्कृति का नाम हिंदू है। हिंदू सर्व पंथ को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। हिंदू सर्व पंथ समाधान को लेकर चलता है, क्यों? इसलिए कि हिंदू किसी एक पूजा का नाम नहीं है। हिंदू जानता है परंपरा से कि वो सत्य एक ही है, सब उसकी ही पूजा करते हैं। सर्वदेव नमस्कारम वही जाता है, जो जिस भाव से मेरी प्रार्थना करता है मैं उसको प्राप्त होता हूं, उसी भाव से। वो सत्य जानने के लिए हर एक व्यक्ति अपने बुद्धि से प्रयास करता है, वो बुद्धि के परे है। वो अनुभव करने वालों को वर्णन करना नहीं आता, क्योंकि वर्णन करने जाएंगे तो वो अपनी बुद्धि के मर्यादा में सीमित होता है। और इसलिए ऐसे अनिर्वचनीय सत्य की अनुभूति करने के रास्ते एक एक व्यक्ति के अलग हो सकते हैं। अलग होने से बिगड़ता नहीं, रास्ता समान होने की आवश्यकता नहीं, गंतव्य एक चाहिए। यूनिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी आवश्यक नहीं समझते। डाइवर्सिटी को लेकर हम जी सकते हैं। सब डाइवर्सिटी साथ में चल सकती है, क्योंकि डाइवर्सिटीज आर द मल्टीपल एक्सप्रेशंस ऑफ सेम यूनिटी। ये जानने वाला व्यक्ति हिंदू है। परंपरा से भारत में इसका अनुभव किया गया, भारत में इसका विकास हो गया। भारतीय पंथ संप्रदायों के लोगों में, भारतीय प्रांतों के लोगों में, भारत में जितने विभिन्न प्रकार मनुष्यों के माने जाते, उन सब प्रकार के लोगों ने अपना अलग अलग वैशिष्ट्य, उसका तो रक्षण किया, उसका सम्मान किया, सबके वैशिष्ट्यों का सम्मान किया, लेकिन इस एक बड़ी बात को लेकर वो एक समाज बन गए विविधताओं को रखते हुए। हिंदू परंपरा से भारत का रहवासी और भारत का उत्तरदायी है। और हिंदू कौन है, इसका असली उत्तर यह है कि जो भारत को अपना मानता है, भारत की भक्ति जिसके मन में है, जो इस प्रकार एकत्व का परिचय देने वाली, सबको साथ लेकर चलना सिखाने वाली सद्भावी संस्कृति है, ऐसा चलने के लिए संयम सिखाती है, कृतज्ञता सिखाती है, उस संस्कृति के संस्कारों के अंदर चलने का प्रयास करने वाला, और ऐसी इस संस्कृति को संवर्धित सुरक्षित करने के लिए जिन पूर्वजों ने त्याग बलिदान किया, खून बहाया, पसीना बहाया, बलिदान दिया, उनका गौरव मन में रखकर उनके आदर्शों का अनुसरण जो करता है वो हिंदू है।